हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली एक मैराथन सीरीज चलेगी जो आपके जेके एसएसबी पटवारी एग्जाम एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को कवर करेगी, ठीक है। ऑल्दो मैंने इंडियन इकोनॉमी जो है ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन पटवारी के लिए अब वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा क्योंकि उनके एग्जाम की डेट आ गई है, तो डिटेल लेक्चर्स वो नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट में उनको प्रॉब्लम आती है समझने में तो वो पर्टिकुलर वीडियो को ही देख सकते हैं। तो वो जो इंडियन इकोनॉमी सीरीज है वो हमारी चलेगी एनटी एग्जाम के लिए एंड आपके जेकेएस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी मैराथन सीरीज लाके आपके पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का जितना सिलेबस कवर कर पाऊं उतना कवर करूंगी। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, मैं इसमें जेकेएसएसबी के कोर्सेज करवा रही हूँ। तो रिसेंटली हमने सुपरवाइजर एग्जाम को कवर किया था अपने चैनल पे, ठीक है। काफी जो है गुड रैंक्स हम मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को आई हैं, जिनका रिव्यू मैं फाइनल रिजल्ट आने के बाद पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो वो एग्जाम प्लस हमारा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी ऑप्शनल सोशोलॉजी भी साथ साथ चल रहा है, ऑप्शनल सोशोलॉजी। उसके लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी चैनल पे नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी नाम से। एंड मैं ऑप्शनल सोशोलॉजी का एक पेड मॉड्यूल भी जल्दी लेके आने वाली हूँ, ठीक है। एंड आपके पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट की मैंने अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसको परचेज करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आपको सारी डिटेल पता चलेगी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है, वो टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जिसमें आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले, ठीक है। एंड जो टाइम टेबल वगैरह है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसको आप इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपके पटवारी एग्जाम के लिए भी है एंड आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखो, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को कब से ट्रेस करते हैं, हम इसको ट्रेस करते हैं 1858 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा हम पहले का देखते हैं, 1858 में ऐसा क्या हुआ था, कौन सा ब्रेक थ्रू इवेंट था कि उसके बाद वाला टाइम जो है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल या स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ही कंसिडर किया गया। 1700 को ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए स्पाइसेस का, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। यहाँ पे टेरिटोरियल पावर को एक्सपैंड किया आपने, ठीक है, एनेक्स की टेरिटरीज, टेरिटोरियल पावर को, एंड पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट जो है या पॉलिटिकल पावर जो है उसको इंक्रीज करते गए। तो ऐसा ऐसा उन्होंने क्या किया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। ये सब चला 1857 तक। तो 1857 में ऐसा क्या बड़ा इवेंट आया कि एक ब्रेक थ्रू इवेंट आया कि उसके बाद वाला टाइम हमारा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम शुरू हुआ। तो बेसिकली 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब वो रिवॉल्ट होने की क्या वजह थी, ऑल्दो वो रिवॉल्ट जो है वो कोई फ्रीडम के लिए रिवॉल्ट नहीं था, उस रिवॉल्ट में ये नहीं बोला गया था ब्रिटिशर्स को कि आप इंडिया छोड़ो और हमें आजादी दे दो। वो रिवॉल्ट के पीछे हर ग्रुप के अपने रीजंस थे, जैसे आपका पीजेंट ग्रुप था, ठीक है, उनके अपने रीजंस थे, उनको जमींदार टैक्सेस वगैरह ज्यादा देते थे तो वो इरिटेट हो गए थे, इस वजह से उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। आपके सिपॉयज थे, सिपॉयज कौन होंगे, आपके सिपाही, ठीक है, जैसे कॉन्स्टेबल्स वगैरह जो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो उनके साथ वहां पे काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको कम सैलरी पे की जाती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ, फाइन। एंड और भी रीजंस थे, जैसे आपके रिलीजियस रीजंस, अब वो भी बेसिकली सिपॉय से ही रिलेटेड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने एक कार्टरेज इंट्रोड्यूस किया था। कार्टरेज वो दरअसल एक बुलेट थी, बुलेट को पहले इनको बाइट करना पड़ता था कार्टरेज को वो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो लेकिन जो कार्टरेज था उसको ग्रीस किया गया था पिग एंड काउ फैट से। तो मुस्लिम्स पिग फैट की वजह से एंड हिंदूज काउ फैट की वजह से उस चीज से काफी नाराज थे। तो ये भी जो था एक, इसको बोला जा सकता है कि ऑल्दो हर ग्रुप को अंदर से वो जो ग्रजेस हैं और गुस्सा है वो बिल्डअप हो रहा था स्लोली स्लोली, लेकिन ऐसा होता है ना, कोई ट्रिगर मिल जाता है, अगर हमें किसी एक इंसान का काफी गुस्सा होता है तो वो काफी सालों से जमा होता है, जमा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्यूमुलेट होता जाता है हमारे अंदर, लेकिन फिर वो फाइनली कोई ऐसी गलत बात बोलते हैं कि इंसान को ट्रिगर पॉइंट मिलता है और इंसान एकदम से फट जाता है, ठीक है। तो फिर बोला जाता है ना कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस ये बोला, लेकिन वो ये एक्चुअली काफी सालों का बिल्डअप होता है। तो इस रिवॉल्ट में सेम वही हुआ, ये जो रिलीजियस रीजन है कार्टरेज वाला, इसने एक्ट किया एज ट्रिगर पॉइंट,
उस ट्रिगर पॉइंट की वजह से वो ब्लास्ट क्या हुआ, ये रिवोल्ट क्या हुआ कि जो इतने सालों से लोगों के अंदर, अलग ग्रुप्स के अंदर गुस्सा था, वो किसके, वो फट के किस चीज के थ्रू सामने आया, एक रिवोल्ट के थ्रू। एंड ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगर आपका इमीडिएट कॉज आपको पूछा जाए, वो एक कार्टरेज को ग्रीस करने वाला इशू ही था, जो कि एक रिलीजियस रीजन भी था, लेकिन वो सिपॉय से भी रिलेटेड था, क्योंकि वो आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वो कार्टरेजेस आर्मी में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो यहां से आपका ये एमसीक्यू बनने का चांस है, और ज्यादा यहां से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिवॉल्ट हुआ। ऑल्दो इस रिवॉल्ट को लेके कई थिंकर्स ने, अलग अलग कई साइंटिस्ट ने इसको अलग चीजों से एनालाइज किया है। वी डी सरवाकर ने उन इस रिवॉल्ट को बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी इंडियन है तो हमें इनकी बात याद रखनी है, ये याद रख लेना इसको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, वो वी डी सरवाकर ने बोला था। ठीक है, एंड कईयों ने इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा था, क्योंकि बेसिकली ये जो लड़ाई थी, ये किनने की थी, सिपॉयज के थ्रू ही हुई थी, और वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मीरठ से। इसमें आपको और एक चीज याद रखनी है, जहां से एग्जाम आ सकता है, जैसे मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट कौन थे, ये रिवॉल्ट मेन में किस जगह पे हुआ था, एंड उनके लीडर्स कौन से थे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फैक्चुअल चीज है, इसमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, इस वाले पार्ट का, सेंटर्स एंड उनके लीडर्स। ठीक है, तो ये हुआ इस रिवॉल्ट का। अब इस रिवॉल्ट के बाद, ये तो इंडिया में हो रहा था ना, अब ब्रिटिश में इससे क्या हलचल मच गई, कि उनको लगा अगर हमने इस रिवॉल्ट को यहीं पे कर्ब नहीं किया, इन फ्यूचर ऐसा कोई रिवॉल्ट दोबारा हो सकता है। इसीलिए उनको क्या करना था इस टाइम पे, उनको इंडियंस को पैसिफाई करना था, उनको इंडियंस को शांत करना था, एंड एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। तो इस रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट, आप ये आप बात मतलब जहन से निकालना नहीं, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद इसीलिए जो 1700 यहाँ पे आई थी, से 1857 तक, या 1858 बोल दो, उसको हम बोलते हैं कंपनीज रूल, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था यहाँ पे। तो जब ये रिवॉल्ट हुआ, फिर क्वीन ने अपना एक प्रोक्लेमेशन दिया, विक्टोरिया क्वीन ने, क्योंकि वहां पे क्या था, क्राउन रूल था ब्रिटिश में, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन सामने आया। उस प्रोक्लेमेशन में पहली बात क्या की थी, एंड ऑफ कंपनीज रूल। तो बेसिकली उनका क्या कहने का मतलब था, उनका ये नहीं था कि अब यहां से चले जाओ, हम यहां से निकल जाएंगे, कंपनी यहां से निकल जाएगी। उन्होंने कंपनी से पावर लेके वो पावर किसको दिया, क्राउन को, मतलब ब्रिटिश क्वीन को। अब 1858 ऑनवर्ड्स इंडिया अभी भी एक कॉलोनी है, और डायरेक्टली किसके अंडर है, क्वीन के अंडर। तो इसको क्या बोला जाता है, क्राउन्स रूल। साथ साथ आप अपने नोट्स भी जो है वो भी बनाते जाओ। ठीक है, सेकेंड क्वींस प्रोक्लेमेशन में बात हुई थी नो मोर एनेक्सेशन। उन्होंने कहा था फर्दर हम कोई टेरिटरीज अनेक्स नहीं करेंगे। अगेन ये फालतू बात ही थी, क्योंकि तब तक मेजोरिटी ऑफ कंट्री जो थी कंपनीज रूल के अंडर, इन्होंने एनेक्स कर ली थी। ठीक है, लेकिन कोई इनको, इंडियंस को शांत करने के लिए कुछ बोलना था, तो इन्होंने नो मोर एनेक्सेशन का भी बोल दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की थी, नो मोर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ब्रिटिशर्स काफी करते थे, जैसे वहां बिग ऑफिसर्स में इंडियंस अलाउड नहीं थे। ठीक है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स के बाहर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसी सारी चीजें हुआ करती थी। तो क्वीन ने कहा अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। ऑल्दो स्टॉप नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रोक्लेमेशन में ये मेंशन था। बाद में क्या हुआ, स्लोली ये जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, इट फर्दर बिकेम एन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो इस एक्ट में क्या क्या हुआ था। पहला, एंड ऑफ कंपनीज रूल, ये आप जल्दी से पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ वही चीजें बोल रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कंपनीज रूल, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया जो है अब दैट विल बी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड अंडर क्राउन। अब इंडिया किसके पास आ गया, अंडर क्राउन। सेकेंड देख लो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ रूल करती थी थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इन दोनों को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। दे लॉस देयर पावर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनका सारा पावर खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड, एक न्यू ऑफिस क्रिएट हुआ था, न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड। कॉल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट में क्रिएट हुआ था, तो न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन ये ऑफिस कहाँ पे बना था, ये लंदन में बना था। ठीक है, एंड इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल अपॉइंट हुई थी। 15 मेंबर काउंसिल, वॉज अपॉइंटेड, और इस 15 मेंबर काउंसिल में कोई इंडियन नहीं था। ठीक है, एंड इसको क्या बोला जाता है, एडवाइजरी काउंसिल भी इसको बोलते हैं। हम इन चीजों का रिवीजन भी करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में रिवाइज भी करवाती रहूंगी, इसलिए जो लेक्चर है आप एंड तक देखना। फिफ्थ, आपको याद रखना होगा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको एक एडिशनल टाइटल मिला था वॉइसरॉय का। ठीक है, ये जो वॉइसरॉय थे ये बने फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। अब पहले वॉइसरॉय कौन कौन थे इंडिया के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्राउन इन इंडिया, ठीक है, एंड वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 को लेके। ठीक है, मैं साथ साथ रिवाइज करवाती रहूंगी, लेक्चर को एंड तक देखना। तो हम थे 1707 में, तब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। मेजरली वो किसके लिए आई थी, स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए, लेकिन साथ साथ टेरिटोरियल पावर जो है, पॉलिटिकल पावर अपना बढ़ाती रही 1857 तक। फिर 1857 में रिवॉल्ट हुआ और हम किसके हाथ में आ गए, क्वीन के हाथ में। तो क्वीन ने उस रिवॉल्ट के बाद एक प्रोक्लेमेशन दिया, कहा कंपनी का रूल यहाँ पे एंड हो जाएगा और एक जो क्वीन्स रूल है यहाँ पे स्टार्ट होगा, कोई एनेक्सेशन हम फर्दर नहीं करेंगे एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगी। ठीक, एंड इस प्रोक्लेमेशन को बाद में बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ, कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया। अब इंडिया किसके अंडर आ गया, सीधे क्राउन के अंडर, ब्रिटिश क्वीन के अंडर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनका पावर खत्म हो गया, एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ था जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कहाँ बना था, लंदन में। एक 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल दी गई थी एंड जो गवर्नर जनरल है उसको कौन सा टाइटल दिया गया था, एडिशनल टाइटल वॉइसरॉय का। एक वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी 5 मेंबर की, पहला वॉइसरॉय कौन था इंडिया का, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवॉल्ट ऑफ 1858, वो सारी चीजें उससे रिलेटेड, फाइन। उसके बाद मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम कुछ प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंट यूनिट्स नहीं बताए जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, मैं आपको डिफरेंट यूनिट्स बताती हूँ, जैसे हम एक क्रोनोलॉजी में इन सारी चीजों को कवर करेंगे। एक यूनिट वन है, उसमें पहले हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 जो हमने देख लिया अभी। उसके बाद यूनिट टू में हम कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होगा एंड आपसे उसका लीडर का नाम पूछा होगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्री आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले। उसके बाद हम आते हैं यूनिट थर्ड में, जहां आपका आईएनसी का फेज स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें हमें अलग अलग फेजेस पढ़ने हैं। एक आपका मॉडरेट वाला फेज आ गया, यह मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी, अभी आप बस ये नोट बना लो। एक आपका एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज आ गया एंड एक आपका गांधीयन फेज आ गया। ठीक है, यूनिट थर्ड। फिर आपका यूनिट फोर आ गया, ये कौन सा वाला फेज स्टार्ट हुआ आपका, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को भी हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं,
एक जो आपका ईयर 1907 से चला 1917 तक, और एक जो 1923 से चला 1931 तक, ठीक है? ये आपका आ गया यूनिट 4, ठीक। फिर आपका आ गया यूनिट 5, इसमें हम देखेंगे होम रूल मूवमेंट। फिर यूनिट 6, सारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स। ऑल्दो ये एक्ट्स हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने 1858 एक्ट पढ़ा, वो 1857 के बाद आया। फिर हम 1900s में जब पहुंचेंगे तो वहां पे इम्पोर्टेंट एक्ट आएगा आपका 1909 का, तो वो हम वहीं पे देखेंगे। 1858, 1909, 1935, 1947, ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस जो हैं जीके में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये फर्दर क्रोनोलॉजी जो है इस लेक्चर की, ये ऐसे ही चलेगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी इजी हो जाएगा। जब आप कल को इस मैराथन को रिवाइज करो तो ये यूनिट्स जो है, ये इनके हाइलाइट्स लिख लेना, एंड फिर रिकॉल करने की कोशिश करना हर यूनिट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 हमारा हो गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल ही है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो किस टाइम में आई थी, प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है लैंडलॉर्ड सोसाइटी, ये आई थी 1830 में, 1830s में स्टार्ट हुई थी। ईयर भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। एंड स्टार्ट किसने की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर कैलकाता। सेकेंड वॉज मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1850s में, बाय लक्ष्मी नरासू। थर्ड वन इज इंडियन सोसाइटी, ये स्टार्ट हुई थी लंदन में 1870s में, बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो साथ साथ आप अपने भी नोट्स बनाते जाओ, इस मैराथन के बाद एटलीस्ट आपका जो हिस्ट्री है उसके सारे नोट्स कवर्ड होंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। फोर्थ वन देख लो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बाय दादा भाई नेहरू जी। पूरा नाम ही लिख लेती हूँ, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो बेसिकली जो यहाँ पे वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, जितना सारा यहाँ पे पैसा जनरेट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स ले रहे थे, उस चीज के बारे में किसने बात की थी, दादा भाई नेहरू जी ने, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इकोनॉमिक ड्रेन इसको बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट नेम है इकोनॉमिक ड्रेन के, एक दादा भाई नेहरू जी है और एक आरसी दत्त है। ये दोनों नाम आप याद रखोगे, ठीक है, आरसी दत्त। फिर आगे चलते हैं, फिफ्थ वन इज इंडियन एसोसिएशन, बाय आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
ये आई थी 1870s में, ठीक है। इसने एक ऑल इंडिया लेवल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की थी, तो इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर आईएनसी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो आईएनसी से पहले एक एसोसिएशन बनी थी। 6th इज पूर्ण स्वराज्य सभा, पूर्ण स्वराजनिक सभा, और इसके लीडर्स थे एम जी रनाडे, शिपलुंकर एंड वीवी जोशी। इसने सपोर्ट किया था डेक्कन अपराइजिंग को, तो वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे डेक्कन अपराइजिंग लिख लो, कभी हो सकता है वो ज्यादा डीप पूछे एसएसबी वाले, तो डेक्कन अपराइजिंग किस सभा से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। 7th इज मद्रास महाजन सभा, एटीन एटीज में, ये 1870s में, बाय जी सुब्रमण्यम अय्यर। सेकेंड इज आनंद चार्लू, एंड थर्ड वन इज वी राघवचरी। ठीक, एंड लास्ट वन देखते हैं, 8th और भी थी लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस रही है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1880s में, बाय फेरोज शाह मेहता, के टी टिलंग, एन बदरुद्दीन तैयब जी की, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यूनिट 3rd में आते हैं, विच इज योर आईएनसी फेज। आईएनसी फेज, ठीक है। तो आईएनसी फेज जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 में हम डिवाइड करते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद आपका गांधीयन फेज स्टार्ट हुआ था। लेकिन थोड़ा पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहते हैं, स्टार्ट कैसे हुई थी। तो कईयों को नहीं पता होगा, जान के हैरानी होगी, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट की थी। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय ए ओ ह्यूम, स्टार्टेड बाय ए ओ ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट की थी आईएनसी। तो बेसिकली इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि अब ब्रिटिश को लगा था कि जो इंडियंस हैं उनके बीच में कुछ एक्टिविटीज जैसे हो रही हैं, जैसे प्री ऑर्गेनाइजेशंस, प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, तो वो चाहते थे कि हम कोई प्लेटफॉर्म इनको दे दें इंडियंस को, और वहां पे बैठ के आपस में लगे रहे, उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करते रहे। तो वो प्लेटफॉर्म फाइनली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा पार्ट प्ले करेगा, उसका अंदाजा ब्रिटिशर्स को नहीं था, ठीक है। उनको बस एक प्लेटफॉर्म देना था जहां पे वो चाहते थे इंडियंस अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करें, इस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था ये, ठीक है। एंड इस सारा जो ये थ्योरी थी कि इनको अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसको बोला जाता है सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, सेफ्टी वेल्थ थीसिस। ताकि सेफ्टी वेल्थ क्यों है, ताकि सेफ्टी मिले ब्रिटिशर्स को एंड एक प्लेटफॉर्म मिले इंडियंस को जहां पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करें, ठीक है। उसने लेकिन क्या किया, उसने आईएनसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया मासेस का। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या बन गया, आईएनसी, वो मासेस को रिप्रेजेंट करने लगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मासेस।
तो ब्रिटिशर्स ने सोचा बीच में कोई कोई एक चीज इनको शांत करने के लिए कोई एक्ट लेके आएंगे, कोई चीज इनको दे देंगे, लेकिन ओवरऑल ये इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करते रहेंगे। एंड जैसे पिछला रिवॉल्ट गुजरा था 1857 वाला, वैसा इन फ्यूचर कुछ नहीं होगा। ये मकसद था आईएनसी इस्टेब्लिश करने से पहले, इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। फिर फेजेस ऑफ आईएनसी स्टार्ट हुए थे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट एक्ट जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया था, इसने कहा था कि कोई भी इंडियन जो है, नो इंडियन वॉज अलाउड मैन्युफैक्चर करने के लिए या बेचने के लिए या अपने पास रखने के लिए एक वेपन विदाउट लाइसेंस, ठीक है। लेकिन यूरोपियंस को अलाउ किया गया था। तो आर्म्स एक्ट का ईयर याद रख लो, एंड ये आर्म्स एक्ट क्या था, फिर वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट। इसने क्या कहा था कि कोई भी अगर ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई भी पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश करेगी, ऐसा कोई भी मटेरियल जो ऑफेंसिव होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके, तो उसको मटेरियल को कन्फिस्केट किया जाएगा, एंड वो जो उसका जो प्रेस वगैरह है उसको बंद किया जाएगा, ठीक है। वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट ये भी आया था 1878 में, ठीक। तो इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। फिर एक प्रेस एक्ट आया था 1835 में, 1835, जिसने रिस्ट्रिक्शंस को इजी बनाया था इंडियन प्रेस के लिए। एंड ये लाया था चार्ल्स मेटकैफ ने। इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, हु वाज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट थे। और एक याद रख लो, एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसने कहा था कि जो यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं उनको सिर्फ यूरोपियन जजेस ट्राई कर सकते हैं, ना कि इंडियन जजेस, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड इसको सपोर्ट किसने किया था, कौन किसके टाइम में आई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो हु वॉज रिलेटेड टू इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, लॉर्ड रिपन, 1881, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो आईएनसी के फेजेस से पहले आपको देखने हैं। उसके बाद हम फेजेस ऑफ आईएनसी में आ गए। तो फेज ऑफ आईएनसी में पहला फेज हमने किसका देखा था, मॉडरेट्स का। तो मॉडरेट्स पहले देखते हैं कौन थे। मॉडरेट सिंपल आपको याद रखने के लिए, जैसे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, एक होता है घर के जो यंगर जनरेशन होते हैं, जो गर्म खून होती है, ठीक है, जो रिबेल नेचर के होते हैं, जिनको जो बोलते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। और जो बड़े होते हैं, जो आपको बोलेंगे कि हर कोई चीज करने का एक तरीका होता है, पहले किसी बड़े के पास जाओ, कोई बात पूछो, बात समझाओ, आहिस्ता बात करो, तो ये सारी चीजें। तो बेसिकली वो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कौन है, वो घर के मॉडरेट्स है, ठीक है। तो इसमें अब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको लीडर का नाम दिया होगा, पूछा होगा कि मॉडरेट है या एक्सट्रीमिस्ट है, या तो आपको इसके एम्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, या इसके मेथड ऑफ स्ट्रगल के बारे में, मेथड ऑफ स्ट्रगल। तो तीनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मॉडरेट्स मैंने आपको कहे कौन कैसे होते हैं, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो लड़ाइयों वगैरह में बिलीव नहीं करते, चाहिए उनको भी चीजें होती हैं, पर उनको होता है कि एक प्रॉपर तरीका होता है हर कोई चीज फॉलो करने का, ठीक है। तो जो मॉडरेट्स हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स के नाम लिख लो, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्य अय्यर, दादा भाई नेहरू जी, और एक इम्पोर्टेंट नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है। इनको पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी भी बोला जाता है। तो ऐसे सारे जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में, ना भी सकते हैं, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लीडर्स कौन से थे मॉडरेट्स के, एंड मॉडरेट्स का एम क्या था, क्योंकि हमें मिली फाइनली आजादी 1947 में। तो जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्टिंग से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि हमें आजाद करो, ठीक है, या वो कुछ और डिमांड कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ कंफर्म हो जाएंगी, फाइन। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे पॉलिटिकल
मेंटोर ऑफ गांधी और ये हेड ऑफ मॉडरेट्स भी थे। हाँ हेड ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या मॉडरेट स्टार्टिंग से बोल रहे थे हमें आजादी चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम दे दो, या वो कुछ और डिमांड कर रहे थे? तो ये बात याद रखना, सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, या स्वराज आप आगे पढ़ोगे वो, या कंप्लीट फ्रीडम, वो सारी चीजें मॉडरेट्स ने कभी नहीं कही। मॉडरेट्स को बस कुछ रिफॉर्म्स चाहिए थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, ठीक है। जैसे आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, उसके बाद 1909 है, 1919 है, 1861 है, ऐसे ही सारे अलग अलग एक्ट्स में कोई कोई रिफॉर्म लाए गए। इनसे ही जो मॉडरेट्स हैं वो इस चीज में ही सेटिस्फाइड थे, उनको यही चाहिए था। उनको था कि हमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाओ। सेकेंड, वो कहते थे इंडियंस शुड बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट है वहां पे इंडियंस को इंक्लूड करो, ब्रिटिश के गवर्नमेंट में ही इंडियंस को इंक्लूड करो, इंडियंस को अलग से कोई कंट्री, ऐसी कोई बात मॉडरेट्स ने नहीं करी थी, ठीक है। और ये कहते थे इंक्लूड करो इंडियंस को, इंक्लूड इंडियंस इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस एंड वॉइसरॉयज ऑफिस, ठीक है। ये डिमांड थी मॉडरेट्स की। एंड अब मेथड क्या था इनका स्ट्रगल का? वो आपको याद रखना है, 3 P's करके, प्रेयर्स, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रेयर्स का मतलब हुआ, प्रेयर का मतलब हुआ प्रेजिंग द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। पेटिशन हुआ अपनी एम जो है वो, जैसे एप्लीकेशन वगैरह डिपार्टमेंट को देते, गवर्नमेंट को देते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह उनको पेटिशन दे दें, ठीक है। एंड प्रोटेस्ट का मतलब हुआ मीटिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वॉइसराय वगैरह, और उनको अपनी जो बातें हैं वो समझाना, फाइन। तो ये स्ट्रगल करना या मतलब वॉयलेंट मीन्स, ऐसा सब कुछ उनका मॉडरेट्स का कभी नहीं रहा है। उनकी मेथोडोलॉजी 3 प्रेयर्स ही थी, प्रेज करना ब्रिटिश क्राउन को, अपनी पेटिशंस वगैरह देना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइसराय को, एंड मीट करना वॉइसराय को एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, एंड अपनी डिमांड जो है उनके सामने रखना। 3 P's मेथड, इन शॉर्ट ये किसका मेथड था? मॉडरेट्स का मेथड था, ठीक है। ये मॉडरेट फेज था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है। उनका डिफरेंट बोलना था। अब ये जो मॉडरेट फेज है, ये देख लो कब से कब तक चला। ये चला 1885 से जब कांग्रेस बनी 1905 तक, ठीक है। आगे फिर हमारा आया एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये स्टार्ट हुआ 1905 से। पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सेम आप इसके कुछ लीडर्स का नाम याद रखो, औरोबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जिसको बीसी पाल भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एम क्या था इनका? एम स्टार्टिंग से ही रहा है टू अटेन स्वराज, ठीक है। स्वराज क्या होता है? सेल्फ रूल, दैट मीन्स हमारा रूल होगा, गवर्नमेंट चाहे ब्रिटिश की हो, ब्रिटिश के अंडर हम खुद से रूल करेंगे, वो है सेल्फ रूल एंड स्वराज। मॉडरेट से स्वराज टर्म जो है वो यूज नहीं किया। तिलक जो है इसने ये स्टेटमेंट कही थी, स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज माय बर्थ राइट,
एंड आई शेल हैव इट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी स्टेटमेंट डायरेक्टली आ सकता है एंड ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ठीक है। तो इनका एम क्या था स्टार्टिंग से, अटेन करना स्वराज, एंड इनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था, पैसिव रेजिस्टेंस। ये भी वॉयलेंट मीन्स का, इनका ये नहीं था कि वॉयलेंस करो, ऐसा हमेशा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि मॉडरेट जो थे वो नॉन वॉयलेंस प्रेफर करते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वॉयलेंस प्रेफर करते थे। नहीं, वॉयलेंस आपके रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पैसिव रेजिस्टेंस बोलते थे। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब हो बॉयकॉट, वो बॉयकॉट वाली मेथडोलॉजी फॉलो करते थे, कैसे रेजिस्ट करना है आपको ब्रिटिशर्स को, उनकी चीजों को बॉयकॉट करके, चाहे वो इलेक्शन हो उनको बॉयकॉट करो, उनके गुड्स हो उनके प्रोडक्ट्स हो उनको बॉयकॉट करो, ठीक है। तो ये जो आइडिया था पैसिव रेजिस्टेंस का, ये फर्स्ट टाइम किसने प्रपाउंड किया था ये आइडिया, अरबिंदो घोष ने। ठीक, एंड इनके न्यूज़पेपर का नाम था वंदे मातरम, जिसमें इन्होंने इस आइडिया को पॉपुलराइज किया था, वंदे मातरम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे 1905 में ऐसा क्या हुआ था जिससे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो सामने उभर के आए थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को क्या था, उनको हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल की, उनको हर जगह क्या करना होता, रूल करना होता लोगों को आपस में डिवाइड करवा के। तो बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां पे फ्रीडम मूवमेंट का थोड़ा फर्वर उभर रहा था, ठीक है। लोगों के अंदर थोड़ा फ्रीडम नेशनलिज्म ऐसे जज्बात आ रहे थे, और ब्रिटिशर्स के लिए बात खतरा थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा बंगाल में हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टीशन करेंगे, हिंदू एंड मुस्लिम्स को हम अलग कर देंगे, बंगाल में अलग अलग मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो अब उनको ये करना था, लेकिन कोई रीजन उनको देना था, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते थे ना आईएनसी को सीधे कि हमें आपकी यूनिटी ब्रेक करनी है। तो उन्होंने कौन सा गलत रीजन दिया कि बंगाल इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर, कि तब का बंगाल है जब आपका बांग्लादेश वेस्ट बंगाल दोनों एक थे, बंगाल इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चार डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। तो बेसिकली 1903 में हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था बंगाल को हम पार्टीशन करेंगे, बंगाल पार्टीशन, ठीक है। एंड बंगाल पार्टीशन केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1905, केम इनटू फोर्स, ठीक है। जब उन्होंने ये अनाउंस किया 1903 में पहले और 1905, इसके बीच में 2 साल तक बंगाल में काफी एक्टिविटीज होती रही, काफी उथल पुथल मच गई बंगाल में, ठीक है। लीडर्स ने एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट किए, एंटी पार्टीशन कैंपेन्स, और उस टाइम पे कुछ न्यूज़पेपर्स में न्यूज वगैरह भी इस रिगार्डिंग पब्लिश हुई। तो उस टाइम के साथ कौन से न्यूज़पेपर ये हैं एसोसिएटेड, वो भी आप लिख लो, हिताब्दी, संजीवनी एंड बंगाल, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर्स, तो फाइनली क्या हुआ, 2 साल तक एंटी पार्टीशन कैंपेन चलते रहे, ये मूवमेंट होती रही, लेकिन जो ब्रिटिश है उनको इस एंटी पार्टीशन कैंपेनिंग से, जो कि मॉडरेट्स ने स्टार्ट की थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उन्होंने फिर भी क्या कहा कि हमें पार्टीशन करना है, ठीक है। उन्होंने पार्टीशन के इस एंटी पार्टीशन कैंपेन को लेके वो पार्टीशन रोकने के लिए अग्री नहीं किया उन्होंने। तो पार्टीशन के साथ क्या हुआ, एंटी पार्टीशन कैंपेन के साथ आपको एक मूवमेंट याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पे डेट याद रख लो, फॉर्मल मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, अभी जस्ट जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो और नोट्स बनाते जाओ। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ 7 अगस्त को 1905 में एट कैलकटा टाउन हॉल, एक मीटिंग हुई, और जहां पे बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया, पास्ट बॉयकॉट रेजोल्यूशन, ठीक है।
तो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ स्वदेशी मूवमेंट का 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल कलकत्ता में मीटिंग हुई और उन्होंने क्या कहा, हमें एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे. फाइन. एंड जो पार्टीशन है केम इनटू फोर्स 16 अक्टूबर 1905. तो ये कुछ एक दो डेट्स इस इवेंट के साथ रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है भाई, मैं इरेज कर रही थी, हो नहीं रहा. वेट, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन केम इनटू फोर्स. दैट मींस जो ये मूवमेंट चली 2 साल, ठीक है, उस मूवमेंट का असर ब्रिटिशर्स पे कोई नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, पार्टीशन को फाइनली फोर्स में लाया 16 अक्टूबर 1905. 1903 में उन्होंने अनाउंस किया था, 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ था. तो ऑल्दो हिस्ट्री में हमें पता है काफी डेट्स आती है, लेकिन मैं इस मैराथन में वही करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी डेट्स आप याद करोगे. ठीक है, और ये जो पार्टीशन है ये किस किस एरिया में था और किस एरिया का कौन सा लीडर था ये भी आपको देखना होगा. पूना एंड बॉम्बे, वहां के लीडर थे तिलक एंड पंजाब के लीडर थे लाला लाजपत राय. दिल्ली के थे सैयद हैदर रजा एंड मद्रास के थे चिदंबरम पिल्लई, सी पिल्लई शॉर्ट में. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है ऑल्दो ये मूवमेंट बंगाल की थी, लेकिन स्लोली स्लोली वो बाकी स्टेट्स में भी फैल रही थी. ठीक है, तो अब ये हुआ क्या, अब पार्टीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हमने अभी तक क्या देखा, एक्सट्रीमिस्ट फेज देखा 1905, तो क्यों उभर के आए, किस मूवमेंट से उभर के आए थे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट से ही एक्सट्रीमिस्ट जो है वो उभर के आए थे. ठीक है, 1905 में बंगाल को कहा था पार्टीशन करेंगे, ब्रिटिशर्स ने कहा था इट इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर, ऑल्दो ये उनका झूठ था, उनको बेसिकली यूनिटी ब्रेक करनी थी. 1903 में उन्होंने बंगाल को पार्टीशन अनाउंस किया एंड वो अक्टूबर में फोर्स में आया था, 16 अक्टूबर 1905. उस बीच में 7 अक्टूबर क्या हुआ था, 7 अगस्त में क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी कैलकटा टाउन हॉल में जहां पे बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया था. ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी. एंड ये जो 2 साल थे 1903 जब अनाउंसमेंट हुआ तब से लेकर 1905 जब फोर्स में आया, काफी एक्टिविटीज हुई और स्लोली ये जो मूवमेंट है बाकी स्टेट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा. ठीक, एंड फाइनल पार्टीशन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905. अब इस बीच क्या चीज हुई, हमें बीच बीच में क्या क्या चीजें देखनी है, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस हमें देखने हैं. काफी सेशंस होते हैं, हर साल उनकी मीटिंग होती थी, दिसंबर में वो मिलते थे, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशंस ही देखने हैं कांग्रेस के जहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात हुई हो एंड उस सेशन का लीडर कौन था. तो 1905 का जो कांग्रेस का सेशन है वो हुआ था बनारस में एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले. तो 1905 में हुआ था तब पार्टीशन की बातें हुई थी. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, कंडेम किया था पार्टीशन को. आपके सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट होंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, आप बस ये वीडियो को साथ साथ देखते रहो एंड नोट्स बनाते रहो. कंडेम किया था पार्टीशन को एंड सपोर्टेड एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट. एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, शॉर्ट में मैंने उसको SM लिखा हुआ है. ठीक है, ये 1905 में हुआ. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 1905 का सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है. इट वॉज प्रिजाइडेड बाय हूम, ये क्वेश्चन बनता है. या कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है उसको कब सपोर्ट किया था, ठीक है, ये किस सेशन में हुआ था. ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन जो है इन सेशन से बन सकते हैं. इसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट सेशन हमें देखना है 1906 का, वो हुआ था कैलकटा में एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी. दादा भाई नेहरू जी के साथ मैंने क्या कहा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हें लिखी है एंड इकोनॉमिक ब्रेन थ्योरी जो है वो इन्होंने हमें दी थी. तो काफी इंपॉर्टेंट थे और काफी इंपॉर्टेंट और रेस्पेक्टेड लीडर्स थे ये मॉडरेट्स के. ठीक है,
दादा भाई नेहरू जी। अब गोल ऑफ आईएनसी यहाँ पे क्या था? स्वराज। तो पहली बार स्वराज को किस सेशन ऑफ कांग्रेस में बोला गया था? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, आपको बस पढ़ते नहीं जाना है ना, क्योंकि पीएचडी नहीं कर रहे हो। फाइनली आपको एक एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होना है। तो आफ्टर स्टडिंग ए टॉपिक, आपको यू शुड थिंक, एनालाइज कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसमें आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये किस सेशन ऑफ कांग्रेस में बोला गया था। ठीक है, तो 1905 का जो सेशन है, 1905 का जो हमने अभी पढ़ा, ये किससे रिलेटेड है? कंटेम्प्ट पार्टीशन, सपोर्टेड एंटी पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट एंड बनारस गोखले। फिर 1907 का पार्टीशन है, ये किससे रिलेटेड है? आपके दादाबाई नेहरू जी, कैलकटा, स्वराज एंड सेल्फ रूल। ठीक है, एंड फिर 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, सूरत में हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 के सेशन में। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय राज बिहारी घोष, वो मॉडरेट थे। आप ऐसे ही एक मिलता जुलता नाम है, राज बिहारी बोस। ठीक है, उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हुई थी इंपॉर्टेंट? इसमें एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स के बीच में ब्रेक हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट स्प्लिट कब हुआ था? सूरत में, सूरत के टाइम पे, जब 1907 सेशन था। अब अगर आप पूछो ये स्प्लिट क्यों हुआ था, बेसिकली इस टाइम पे जो मूवमेंट चल रही थी स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट की, उसमें क्या था, किस चीज को प्रमोट किया जा रहा था? स्वदेशी को। स्वदेशी क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, जैसे आज हम यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हैं ना, तो वही था कि अपने आप खुद की चीजें बनाओ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाओ। तो उस टाइम पे काफी कॉलेजेस सेटअप किए गए थे, स्कूल सेटअप किए गए थे, फैक्ट्रीज इंस्टॉल की गई थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग वगैरह वो इंस्टॉल करने की कोशिश हुई थी। तो काफी इंडियन मेड चीजें जो है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड चीजें, स्वदेशी जिसको हम बोलते हैं, स्वदेशी गुड्स सामने आए थे। और बॉयकॉट करने को कहा था इसमें, बेसिकली दो चीजों को बॉयकॉट किया गया था, मैनचेस्टर क्लॉथ जो ब्रिटिश का क्लॉथ है मैनचेस्टर, एंड लिवरपूल सॉल्ट। लिवरपूल सॉल्ट। ठीक है, अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ऑल्दो अभी मूवमेंट अच्छी चल रही है, अब उनका मतलब था कि हमें इस मूवमेंट को बाकी जगहों में एक्सपैंड करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा थोड़ा थोड़ा ये कहाँ कहाँ चली थी, पूना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, इनको था कि हमें पैन इंडिया मूवमेंट इसको बनाना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे। लेकिन मॉडरेट उस टाइम पे उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। मॉडरेट चाहते थे नहीं, जो जैसा चल रहा है हमें वैसा ही रखना चाहिए। इस बात पे दोनों में इख्तिलाफ था, दोनों की दोनों जो थे वो अग्री नहीं करते थे। फाइन, एंड उनका एक स्प्लिट हो गया था जिसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। अब ये देखो, अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसको मेजरली किसने लीड किया था? एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ने, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप। तो ये मूवमेंट जो चली थी एक्सट्रीमिस्ट के अंडर ही चली थी। जैसे मैंने आपको कहा था 1905 से हम किसका टाइम ट्रेस करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था? न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, कहा था बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को, जैसे मैंने कहा पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो इनका रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा फोकस किया गया था, आत्मशक्ति जिसको हम बोलते हैं। फाइन, एंड स्वदेशी प्रोग्राम या नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम एक दिया गया था, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो बंगाल नेशनल कॉलेज, बीएनसी शॉर्ट में, ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसके आप फुल फॉर्म खुद ही लिखो, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी सारी चीजें जो है वो सेटअप की गई थी। कल्चरल इम्पैक्ट भी रहा था इस चीज का, कि लोगों ने एक दूसरे को राखी जो बांधी थी एज अ मार्क ऑफ यूनिटी, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, कि ब्रिटिशर्स हमें अलग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो काफी सारी चीजें इन 2 साल के कोर्स में हुई थी, जब तक वो अनाउंस किया एंड जब फाइनली पार्टीशन केम इन टू फोर्स। ठीक है, उसके बीच में काफी चीजें हुई थी। अब वो चाहते थे कि ये एक्सपैंड हो, लेकिन वो नहीं, मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। इस बात पे 1907 में उनका स्प्लिट हुआ था। अब गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स था इस सारी चीज को लेकर? ये तो मैंने कहा फ्रीडम फाइटर्स जो है हमारे,
वो क्या कर रहे थे, उनने क्या कहा था पार्टीशन के बाद, उनने क्या आगे से रिएक्शन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी उसको बोलते हैं, कि एक साइड से आप मुंह में टॉफी रख रहे हो, गाजर खिला रहे हो, और एक साइड से आप मार रहे हो। दैट मींस मार रहे हो का मतलब ये क्या करेंगे, ये पब्लिकेशंस पे अटैक करेंगे, ठीक है, जो भी हल्की सी वायलेंस में इन्वॉल्व होगा उस पे चार्जेस लगाएंगे, तो इसको वायलेंटली इस मूवमेंट को कर्ब करने की कोशिश करेंगे। एंड कैरेट का मतलब हुआ एक नया कोई एक्ट लेके आएंगे और थोड़े बहुत रिफॉर्म्स अगेन वो इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए देंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दिया गया था। तो इस टाइम पे क्या कैरेट एंड स्टिक, जैसे मैंने कहा, तो स्टिक मान लो आप क्या दी थी इनको, कि काफी एक्ट पास किए गए थे, जैसे इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट था, न्यूज़पेपर्स पे रोक लगाई थी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था, सेडिशस मीटिंग एक्ट था, ठीक है, काफी एक्ट्स ऐसे पास किए गए थे। वो आपको डिटेल में नहीं देखने, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, कैरेट एंड स्टिक को थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो मारा इंडियंस को ऐसे था, पैसिफाई किया था इनको कैरेट दे के। वो कैरेट किस फॉर्म में दी थी इनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, जो मॉडले थे ही वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो थे वॉइस रॉय। कभी ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वॉइस रॉय कौन था एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ठीक। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स ही थे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो आपको याद रखनी है? दो इंपॉर्टेंट चीजें, ऑल्दो हुआ काफी कुछ था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इज योर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वोट कर सकते हैं, ये चीज, एंड वन इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और फर्स्ट इंडियन कौन बने थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स पे, इस पे भी बाद में आगे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी एंड डिविजन्स हुए थे। ये बेसिकली था डिवाइड करने के लिए लोगों को कम्युनल लाइंस पे, जैसे मैंने कहा डिवाइड एंड रूल इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। एंड बेसिकली इन्होंने डिवाइड एंड रूल कब से अपनाया, जब रिवॉल्ट ऑफ 1858 हुआ था उस टाइम पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस टाइम पे, काफी यूनिटी दिखाई गई थी इंडियंस और हिंदूज और मुस्लिम्स में, आपस में काफी यूनाइटेड थे। तो ब्रिटिशर्स को था कि नेक्स्ट जो भी फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, हमें क्या करना है, इसकी यूनिटी को हमें ब्रेक करने की कोशिश करनी है। एंड उनके पूरे कोर्स ऑफ यहाँ पे उनका जो रूल रहा है, उनकी कोशिश रही है हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करने की, ठीक। तो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो पार्टीशन है इसको बाद में फाइनली एनल किया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पार्टीशन में याद रखनी है बात, कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस पार्टीशन को सपोर्ट किया था, उनको मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस मिल रहा था, तो उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ था, लेकिन इस पार्टीशन को एनल किया गया था 1911 में, पार्टीशन वॉज एनल। तो यहां पे आपको याद रखना है उस टाइम पे कौन से वॉइस रॉय थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, उस वॉइस रॉय के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एनल किया गया था। एंड 1911 में और एक चीज हुई थी, जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली, ठीक है, ये 1911 में हुआ था।
ये हो गया मॉडरेट फेज आपका, उसके बाद स्प्लिट होने के बाद एक्सट्रीमिस्ट, ये हो गया एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका, ठीक है। फिर 1907 से आगे जब इनका स्प्लिट हुआ, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट भी ज्यादा अकेले कुछ कर नहीं पाए, फाइनली उनको फिर से कांग्रेस के साथ मिलना पड़ा। फाइन, तो ये था पार्टीशन जो एनलमेंट 1911 में। तो यहाँ पे आपका मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो फिजल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैंने आपको कहा था यूनिट 1 में हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, 2 में हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखी, फिर हमने आईएनसी देखा, उसमें हमने मॉडरेट फेज भी देख लिया है, एक्सट्रीमिस्ट फेज भी देखा, और गांधीयन फेज अभी हमें आगे देखना है। उससे पहले रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हमें देखना है, 1907 to 1917 उसका पहला फेज था, ठीक है। तो आगे देखते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, हम उसको टेररिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का फेज 1, विच इज 1907 to 1917, ठीक है। तो पहले फेज में क्या हुआ था, एम क्या था इनका, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट है उनका एम स्टार्टिंग से ही रहा है टू अटेन पूर्ण स्वराज, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स को बोलते थे बाय बाय करो, यहां से चले जाओ और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। मॉडरेट्स का सिविल रिफॉर्म्स रहा है, एक्सट्रीमिस्ट का था स्वराज, दैट इज सेल्फ रूल, टू अटेन पूर्ण स्वराज, ठीक है। एंड इनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या रहा था, लूट करना ब्रिटिशर्स को, लूटिंग, जैसे ट्रेन जा रही है उनका ट्रेन कार्नेशन या ट्रेन प्रोसेशन जा रहा है वो उसमें ट्रेन को लूटेंगे, या डिकॉयटीज करना, डकैतियां डालना, ठीक है, ब्रिटिशर्स पे, इंडियंस पे नहीं, रॉबरी वगैरह करना, या उन हाई ऑफिशियल इंडियंस पे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेटिंग अप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग अप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हम यहाँ पे देखते हैं। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, मित्र मेला, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो ये आप लिख लो। मित्र मेला ये किसने स्टार्ट किया था, वीडी सरवारकर ने, सेकेंड वन इज अभिनव भारत, बाय वीडी सरवारकर अगेन, थर्ड वन इज अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति बाय पुलिनदास, और एक है यहाँ पे डक्का अनुशीलन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना, DACCA डक्का अनुशीलन, ये किया था प्रमोता मित्तर ने, प्रमोता मित्तर, ठीक है। और एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गदर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, ये सेटअप की थी लाला हरदयाल ने, बाय लाला हरदयाल एंड सोहम सिंह बकरा, सोहम सिंह बकना, सॉरी, ठीक है। एंड और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया हाउस, या इसको इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है, ये स्टार्ट की थी लंदन में, बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा, श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो उनका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, ठीक। हम अब जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता था रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स का, कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या किया इन्होंने, इन्होंने असैसिनेट किया, असैसिनेटेड ल्यूटेनेंट रैंड एंड आयर्स्ट को। ये क्वेश्चंस जो है MCQs एज इट इज आ जाते हैं, जैसे इनको किन्ने असैसिनेट किया था, ठीक है, उनका नाम लिखा होगा। तो इनको असैसिनेट किया था चापरेकर ब्रदर्स ने, चापरेकर ब्रदर्स, ठीक है। और रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट ने क्या किया था, चापरेकर ब्रदर्स ने रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, इन्होंने रैंड एंड आयरिस पर अटैक किया था, एंड
सेकेंड वन वॉज अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश जज किंगस्टन एट मुजफ्फरपुर बिहार, और किसने किया था बाय खुदीराम बोस, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की। ऑल्दो ये अटेम्प्ट जो था ये अनसक्सेसफुल था। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट था, इट वॉज इन 2011 एंड अटेम्प्ट टू किल, अटेम्प्ट ये भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा है, अटेम्प्ट टू किल वॉइस रॉय हार्डिंग सेकेंड व्हेन ही वॉज एंटरिंग इन टू द न्यूली मेड कैपिटल न्यू दिल्ली। जब वो न्यू दिल्ली में एंटर कर रहे थे, जो न्यू कैपिटल थी, ठीक है, कोलकाता से ट्रांसफर होकर दिल्ली, मैंने कहा था ना, उस टाइम पे उनको अटैक किया गया था। ये किया था बाय राज बिहारी बोस, जैसे मैंने कहा मॉडरेट्स में राज बिहारी घोष था, तो वो अलग है, इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये हमारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फेज वन ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, एक इंसिडेंट हुआ था, फाइन, वो इंसिडेंट जो है वो आपको याद रखना है, उसको हम बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 टू 1915, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, कोमागाटा मारू किसका नाम था, ये एक जापानीज शिप का नाम था, जापानीज शिप। ये किसने हायर की थी, ये इंडियन ने हायर की थी टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर, सिंगापुर टू वैंकूवर। ठीक है, तो सिंगापुर से वैंकूवर जाती और उसमें इंडियंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता, लेकिन वैंकूवर आपके जो कनाडा में है, उन्होंने इस शिप को अपने बॉर्डर्स में एंटर नहीं करने दिया और वहां से इस शिप को रिटर्न करना पड़ा कैलकटा, ठीक है, कैलकटा। तो जब कैलकटा पहुंचे, वहां पे इन पे फायरिंग वगैरह हुई थी, उसमें काफी डेथ्स हुई थी, तो ये इंसिडेंट जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वहां पे हुआ था। अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं, तो अभी कुछ साल पहले इसकी सम एनिवर्सरी थी इस इंसिडेंट की, एंड तब जस्टिन ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तब माफी भी मांगी थी इंडियन से इस इंसिडेंट को लेके, क्योंकि कैनेडा के बॉर्डर्स में उनको एंटर नहीं होने दिया था, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड अगेन क्योंकि कॉलोनी थी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहते थे, काफी रीजंस की वजह से उनको वहां एंटर नहीं करने दिया था, ठीक है। तो ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट, तो इस इंसिडेंट से और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है, वही जो हमने अभी पढ़ी, गदर मूवमेंट। तो बेसिकली जब ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था, तो तब गदर लीडर्स जो थे उनको काफी गुस्सा आया था, ठीक है। तो जो गदर लीडर्स थे, गदर लीडर्स देवर इनफ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट, फाइन। तो उन्होंने क्या किया, दे प्रिपेयर टू लॉन्च अ वॉयलेंट अटैक एक्सपेल करने के लिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो इसमें जो गदर लीडर्स हैं इन्वॉल्व थे इस अटैक में, उनके नाम याद रख लो, करतार सिंह सराबा, रघुबीर दयाल गुप्ता, राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल, ठीक है, सचिन सान्याल, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो वो अटैक का डेट कौन सा फिक्स किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, February 21, 1915। लेकिन इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता चल गया था, ठीक है, किसी ने पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिया था अपने खबरी ने, तो इस अटैक को उन्होंने फॉइल किया था एंड इस मूवमेंट को सप्रेस किया गया था बिफोर इवन कि ये कोई शेप ले सके। गदर मूवमेंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो बिल्कुल जो थी वो कम्युनल नहीं थी, गदर मूवमेंट उसमें कोई ऐसे हिंदू मुस्लिम एलिमेंट्स नहीं थे जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में या बाकी मूवमेंट्स में हम देखते हैं, तो बिल्कुल सेक्युलर मूवमेंट थी। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सेक्युलर इन कैरेक्टर थी, ठीक है। ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी थी, लेकिन मैंने कहा ना कोई ट्रिगर मिलता है, तो इसको गदर को ट्रिगर किसका मिला, कोमागाटा मारू इंसिडेंट का, ठीक है, कोमागाटा मारू का, प्लस आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन।
वर्ल्ड वॉर वन। इन दोनों इंसिडेंट्स की वजह से क्या हुआ था, गदर जो है, गदराइट्स इनको बोलते हैं, दे प्लान टू लॉन्च एन अटैक। ठीक, अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस भी एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, मॉडरेट खत्म, एक्सट्रीमिस्ट खत्म। ठीक है, अभी आएंगे वापस इन पे, और चीजें हमें देखनी है इनकी। फिर हम आए रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पे, तो अटेन पूर्ण स्वराज, उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या रहा, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अब्रॉड में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जहां पे हमने देखा इंडियन हाउस या सोसाइटी एंड गदर मूवमेंट। गदर से रिलेटेड हमने देखा कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, एक आपका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एक था आपका आगे जाके होम रूल मूव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर वन, 1914 टू 1919, तो उसका नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर, उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को इस वॉर में। ठीक है, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको लगा ये राइट टाइम है इनको सपोर्ट देने का, और अगर हम सपोर्ट देंगे तो ये भी हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। एंड तीसरे थे आपके रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, हमने अभी पढ़ा, उनने कहा था कि ये एप्ट टाइम है टू वेज वॉर ऑन ब्रिटिश। क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश वॉर में लगा हुआ है एंड ये इनहेरेंटली वीक है, तो इस टाइम पे हम इस पे अटैक कर सकते हैं, ये रेवोल्यूशनरीज ने कहा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडरेट्स का क्या कहना था वॉर को लेके, एक्सट्रीमिस्ट का क्या कहना था, एंड रेवोल्यूशनरीज का क्या कहना था। ठीक है, इसमें हमें इतना ही देखना है। सेकेंड आगे चलते हैं, दिस इज योर होम रूल मूवमेंट। नाइनटीन सिक्सटीन, ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट बेसिकली किसने डिसाइड किया था लॉन्च करने के लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है एनी बेसेंट। एक आयरिश लेडी थी, और जो आयरलैंड है वो अंडर था, वो एक कॉलोनी था, सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। तो एनी बेसेंट का क्या कहना था कि जो इंडियन कॉलोनी है उसको भी एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बनाओ और कंप्लीट उस पर अपना रूल ऐसे आप नहीं करो, तो उन्हीं लाइंस पे, उन्हीं मॉडल पे इंडिया को कंट्रोल करो जिन मॉडल पे आयरलैंड को करते हो, ये एनी बेसेंट का कहना था। तो एनी बेसेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट अ मूवमेंट इन इंडिया ऑल्सो, जो आयरलैंड में ऑलरेडी चल रही थी, आयरिश होम रूल मूवमेंट उसको बोलते हैं, एंड ये दो लोगों ने स्टार्ट की थी। पहले थे आपके बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्टार्ट की थी अप्रैल 1916 में। बेसिकली क्या हुआ था, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो चली थी उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद उनको 6 साल के बाद रिलीज किया था जेल से। तो जब उनको रिलीज किया था उन्होंने दोबारा से इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको लॉन्च करने की कोशिश की थी, क्योंकि तब तक कांग्रेस में भी एक वैक्यूम आ गया था, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, और बीच में इन्होंने 1909 वाला मॉडरमेंट रिफॉर्म लेके आए थे, तो मॉडरेट शांत हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स को जेल हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से आईएनसी में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, और वो वैक्यूम किसने फुलफिल किया था फाइनली बाद में, होम रूल मूवमेंट ने 1916 में इसको लॉन्च किया था। बेसिकली आइडिया एनी बेसेंट का था एंड लॉन्च इसको पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, एंड लेटर इसको एनी बेसेंट ने थ्रू आउट इंडिया लेके गई थी। एनी बेसेंट थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट बॉम्बे। तो एनी बेसेंट ने आएगी सितंबर के अराउंड ये मूवमेंट जो है अपनी स्टार्ट की थी, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एंड कोई क्लैश अवॉइड करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है,
एंड दिस मूवमेंट जो है इट वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन आयरलैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये मैंने आपको कहा. एंड इसका एम क्या था, अटेन करना होम रूल को ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश कॉलोनी. दैट मीन्स होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश राज. टू अटेन होम रूल, ठीक है. एंड इसका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था, लोगों को पॉलिटिकल अवेयर कराना, पॉलिटिसाइजिंग द पीपल, मेकिंग कॉमन मैन पॉलिटिकली अवेयर, पॉलिटिसाइजिंग द पीपल. और वो कैसे करते थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करके, पॉलिटिकल डिबेट्स करके, ताकि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया जाए, ठीक है. तो इसके इंपॉर्टेंट अदर लीडर्स थे जैसे जिन्ना मालविया, मदन मोहन मालविया. बेसिकली क्या था कि सारे लीडर्स ने ऑलमोस्ट इसको अपना सपोर्ट दिया था. एंड आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है. तो कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं, ने क्या किया था कोर्स ऑफ एक्शन इस मूवमेंट का. तो जो होम रूल मूवमेंट है इसका ईयर देखो 1916, दैट मीन्स ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चली थी. तो हम इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट रही है ड्यूरिंग वॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है. तो जब ये ज्यादा ये होने लगी, फैलने लगी और इसमें सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया, ने इंपॉर्टेंट बनने लगी, ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर करने लगी लोगों को, तो 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया. जब आप किसी मूवमेंट के लीडर को ही अरेस्ट करते हो तो वो मूवमेंट गाइड डायरेक्शन के बगैर हो जाती है, लीडरलेस मूवमेंट बन जाती है. तो एनी बेसेंट वॉज अरेस्टेड, ठीक है. लेकिन उनकी अरेस्ट के बाद काफी और लीडर्स ने ज्वाइन किया था इसको, जिससे मूवमेंट और ज्यादा पॉपुलर हो गई. फाइन, तो इनकी डिमांड क्या थी, होम रूल की, कि हमें अपना रूल दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट दे दो विद इन द ब्रिटिश राज. तो फिर फाइनली ये हुआ जो आपके लीडर्स कर रहे हैं. अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा. गवर्नमेंट ने इस बात पे क्या किया, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड. ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आपको होम रूल चाहिए, हम आपको होम रूल दे देंगे. एंड इस बात पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की, स्टेटमेंट वॉज इशूड. ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है होम रूल के बाद, ठीक है. स्टेटमेंट वॉज इशूड जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेगू स्टेटमेंट, मॉन्टेगू स्टेटमेंट. तो इसमें क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस इज नथिंग बट योर स्वराज, कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी विद इन द ब्रिटिश राज. तो मॉन्टेगू स्टेटमेंट में पहली बार आया था कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है डोमिनियन स्टेटस को एज इट्स ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डोमिनियन स्टेटस एज इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो ये मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट 1917 में आई थी. अकॉर्डिंगली फिर 1919 में एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसमें बात को फर्दर और एक्सपैंड किया था. अब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है इस बात का, कि जैसे इंडियन सेडिशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था, ये स्वराज वगैरह डिमांड करना, डोमिनियन स्टेटस डिमांड करना जो है सेडिशियस कंसिडर किया जाता था, अकॉर्डिंगली लीडर्स को जेल किया जाता था. लेकिन इसमें काफी सिग्निफिकेंट चीज हुई थी कि आज के बाद 1917 के बाद डिमांड फॉर सेल्फ रूल जो है उसको सेडिशियस कंसिडर नहीं किया जाएगा. सेल्फ रूल इज नॉट सेडिशियस, उसको एक्ट ऑफ सेडिशन नहीं माना जाएगा सेल्फ रूल को. लेकिन अगेन इस 90 अब आप सोचोगे 1917 में ही कहा था सेल्फ रूल, तो 1947 तक आते आते क्या हुआ, तब भी सेल्फ रूल क्यों नहीं मिला. इसमें इन्होंने दो चीजें रखी थी, कहा था द मैनर इन विच द सेल्फ रूल विल बी गिवन एंड द टाइम वेन सेल्फ रूल विल बी गिवन, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है. तो इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही रहा कि अब सेल्फ रूल को डिमांड करना वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ सेडिशन. अदरवाइज इन्होंने इसमें इतना बड़ा क्लॉज रखा था कि जब मैनर इन विच दिस सेल्फ रूल विल बी गिवन एंड द टाइम व्हेन द सेल्फ रूल विल बी गिवन, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है.
तो इसे क्या हुआ, ये अपनी मर्जी थी ना इनकी, वो मैनर और टाइम चाहे कभी नहीं आए इनके लिए, वो कभी सेल्फ रूल ना दे। इस वजह से जो लीडर्स थे वो इस एक्ट के या स्टेटमेंट के लाने के बाद भी खुश नहीं थे। तो ये था आपका होम रूल मूवमेंट 1917 तक। एक बार हम यूनिट्स वाला पेज देखते हैं। हमने पहले देखे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी, फिर हमने मॉडरेट फेज देखा, एक्सट्रीमिस्ट फेज देखा, और हमने साथ में होम रूल मूवमेंट वाला फेज जो था 1916 वाला वो भी देखा। अब हम गांधीयन फेज देखेंगे और हमने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का फेज वन भी देख ली। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होती है महात्मा गांधी की और स्टार्ट होता है हमारा गांधीयन फेज। तो हमें पता है पहले ये साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में भी काफी इन्होंने जो है स्ट्रगल किया था, वहां पे भी इन्होंने जो है ये पेटिशन वगैरह ये देना स्टार्ट किया था। सत्याग्रह जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था। कुछ कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे हम वो देखेंगे। पहले ये पैदा कहाँ पे हुए थे, ये पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। और इनकी शादी वगैरह जो है चाइल्ड मैरिज हो गई थी, 13 इयर्स में ही हुई थी। लंदन बाद में चले गए थे हायर स्टडीज के लिए, वहां पे बैरिस्टर बने थे, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1893 में इन्होंने क्या किया था, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू वर्क इन ए ट्रेडिंग कंपनी। अब ये चीज आपको चाहे एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछे कि कहाँ गए, साउथ अफ्रीका में कब थे, वहां क्या करते थे, लेकिन ये मैं बस एक बैकग्राउंड बिल्ड कर रही हूँ ताकि आपको आगे की फैक्ट मेमोराइजेशन जो है वो इजी हो जाए। तो 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे वर्क करने के लिए इन ए ट्रेडिंग कंपनी ओन्ड बाय एन इंडियन, वो इंडिया की इंडियन की ट्रेडिंग कंपनी थी दादा अब्दुल्ला, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड वो रहे थे साउथ अफ्रीका में टिल 1950, 1915 वो इंडिया में फिर आए थे, ठीक है। 1917 से उनका फेज जो है यहाँ पे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में ट्रेस करते हैं। तो 1893 से लेकर 1893 से लेकर 1915 तक वो कहाँ रहे, साउथ अफ्रीका में। 1915 में वो परमानेंटली यहाँ पे आ गए, इसीलिए जनवरी 1915 में आए थे, इसीलिए जनवरी में एक दिन है शायद 9 जनवरी, उसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जस्ट इन केस किसी और कॉम्पोनेंट में कभी पूछ ले। फाइन, तो साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने काफी काम किए थे, वो अपने लेक्चर्स में डिटेल में लिखा है। अब चूंकि ये एक मैराथन सीजन है, मैराथन सेशन है, तो इसमें हम सारी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, बस वहां पे भी रेशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्हें आवाज उठाई थी। एंड इन्होंने वहां पे एक इम्पोर्टेंट आश्रम सेटअप किया था या फार्म सेटअप किया था जिसको हम बोलते हैं टॉल्स्टॉय फार्म। तो ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, टॉल्स्टॉय फार्म एट ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में, ठीक है, या इसको फिनिक्स फार्म भी बोला जाता है। तो जो इन्होंने इंडिया में फाइनली बाद में आगे लॉन्च किया, जैसे आपके अहिंसा वाली पॉलिसी थी, सत्याग्रह वाली पॉलिसी थी, ये अगेंस्ट ब्रिटिश के लॉज जो साउथ अफ्रीका में चल रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो वहां पे ऑलरेडी उसके खिलाफ आवाज उठा चुके थे एंड सक्सेसफुल रहे थे उन चीजों में। तो इनको पहले से एक्सपीरियंस था ये अहिंसा के साथ कैसे अपनी बात मनवानी है, ठीक है, सत्याग्रह स्ट्रगल कैसे करना है, नॉन वायलेंस रह के, ये सारी चीजें जो है इनको साउथ अफ्रीका में ही ने सीख ली थी 1915 में। 1917 तक, 1915 में इंडिया आए थे, तो 1917 तक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग की थी और इंडिया के अलग अलग जगहों पे गए थे एंड देखा था बेसिकली इंडिया कैसा है, क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। और ये सजेस्ट करना कि डायरेक्टली पॉलिटिक्स में ना आए और पहले इंडिया में ट्रैवल करे, ये इनको सजेस्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिनको मैंने कहा इनका पॉलिटिकल मेंटर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई इनके लिए, रीजनल सत्याग्रह पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कहाँ पे हुई थी, चंपारण में, जिसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये हुई थी 1917 से लेकर 1918।
ठीक है, पहली बात तो ये चंपारण कहाँ पे, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली किससे रिलेटेड है, इंडिगो प्रॉब्लम से। इंडिगो एक ब्लू डाई है, ठीक है, जो एक कैश क्रॉप है, दैट मींस उसको मार्केट में बेचा जाता है और वहां से प्रॉफिट लिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन पेजेंट्स को बिहार के उनको फोर्स करते थे कि सिर्फ इंडिगो जो है अपनी मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड पे ग्रो करे। अब जहाँ ऑलरेडी लोगों के पास खाने पीने के लिए ये नहीं है, अनाज नहीं है, अगर वो अब अपनी फार्म पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है उस पर इंडिगो ग्रो करेंगे तो वीट वगैरह वो कहाँ ग्रो करेंगे। तो ये उनकी लड़ाई थी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, आप याद रखो, तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम दैट मीन्स थर्ड बाय 20th पार्ट जो है मस्ट बी कल्टिवेटेड ऑन दिस इंडिगो मस्ट बी कल्टिवेटेड, ठीक है। एंड वो वाले थर्ड पार्ट जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होंगे, इस वजह से फमीन वगैरह आने का, खुशका पड़ने का भी खतरा हो सकता था, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है पहले आवाज उठाई थी, एग्जाम में कैसे आ सकता है कि जो इंडिगो प्रॉब्लम है वो किस सत्याग्रह से रिलेटेड है, तो वो आपके चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। और इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है, मार्केट में बेचा जाता है, इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी जो है वो हो जाती है। एंड इस सत्याग्रह को करने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, वो नाम भी याद रखो, राजकुमार शुक्ला। ये किसान ही एक थे, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। एंड किस या और फ्रीडम फाइटर ने इनको इसमें सपोर्ट किया था, राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जे कृपलानी थे, ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये सक्सेसफुल रहे, गवर्नमेंट ने कमेटी वगैरह बिठाई थी इन सब चीजों को देखने के लिए, और उस कमेटी में गांधी को भी एक मेंबर रखा गया था, फाइन। एंड बाद में इसमें कंपनसेशन वगैरह भी है, जो फेमिन से इफेक्ट हुए थे उनको मिली थी। तो ये था आपका पहला चंपारण सत्याग्रह। सेकेंड इज योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह, तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इसी टाइम पे हुई थी। तो बेसिकली वहां पे क्या हुआ था, वहां पे प्लेग, स्कोर्ड बोलते हैं, वो बीमारी फैल गई थी। तो जो वर्कर्स है मिल के, जो वहां पे वर्कर्स थे, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे और वापस जाएंगे। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे उनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप काम करोगे इस मिल में इस टाइम पे, प्लेग जब आउटब्रेक हुआ है, तो आपको बोनस दिया जाएगा, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा वेजेस भी आपको मिलेंगी। तो वेज हाइक भी होगा इनका, एंड इनको बोनस भी मिलेगा, 50% बोनस इनको मिलेगा। तो लेकिन इसे जो वेज हाइक एंड बोनस वगैरह है, इसको बाद में रोक दिया गया था एंड वो कंटिन्यू नहीं किया था। इस बात पे गांधी जो है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी यहाँ पे, ठीक है। एंड बाद में फाइनली इसमें भी गांधी की जीत हुई थी, एंड एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि 35% जो है हाइक इनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे गांधी को असिस्ट किया था अनुसुईया बेन ने, जो उस मिल ओनर की बहन ही थी, ठीक है। अगर आपको नाम वो याद आप रखना जरूरी नहीं है, नाम याद रखना, अनुसुईया बेन जो है वो गांधी के साथ किस स्ट्रगल में थी, अहमदाबाद सत्याग्रह में। थर्ड वन इज जो खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात, इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि एक जो फेमाइन कोड था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फेमाइन वगैरह आता है इज अ लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से, तो जो वहां के जो पिजेंट्स वगैरह हैं उनको प्राइस, उनको कैश वगैरह कुछ मिल जाएगा, ठीक है, उनको उसके लिए कंपनसेशन दी जाएगी। लेकिन बाद में वो उनको नहीं मिला था, तो इस बात पर वो रिवोल्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड इसमें गांधी की हेल्प की थी वल्लभ भाई पटेल ने। एंड जो वल्लभ भाई पटेल है, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कर कहते हैं, तो उनको जो सरदार का टाइटल है वो मिला था बरदोली सत्याग्रह में, वो भी आप याद रख लेना, बरदोली सत्याग्रह।
फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया था और मानी थी ये बात और कहा था जिसको भी फेमाइन में असर हुआ है, जिसने सफर किया है इस फेमाइन में, उनको हम कंपनसेशन देंगे। फाइन, तो ये थे तीन जो रीजनल सत्याग्रह थे गांधी के आने के बाद। इनको आप केक करके याद रख सकते हो। इसी क्रोनोलॉजी में चले थे चंपारण, फिर अहमदाबाद एंड लास्ट में खेड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, कोई एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जिससे ऑल इंडिया सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया गया था। वो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था? रोलैट एक्ट। रोलैट एक्ट, ठीक है, 1919। रोलैट एक्ट को एनार्किल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोला जाता है। रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है, इसका एक्चुअल नेम था। इसमें क्या बोला गया था, इस एक्ट में एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट प्रॉपर ट्रायल। एनी इंडियन अरेस्टेड एंड जेल विदाउट प्रॉपर ट्रायल, ठीक है। तो जब ये रोलैट एक्ट जो है पास किया गया, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने अपना पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया, फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह। और ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919। अभी लोगों को गांधी जी ने आते ही एक ऑल इंडिया सत्याग्रह अनाउंस किया था, खुद वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, तो ये उनकी गलती थी। उन्होंने रियलाइज नहीं किया क्या मास जो है इसको नॉन वायलेंट रखेंगे, तो वाइड स्प्रेड वायलेंस हो गई, काफी लीडर्स को अरेस्ट किया गया। ठीक है, 10 अप्रैल को उन इम्पोर्टेंट लीडर्स में, दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचले, उनको अरेस्ट किया गया था। एंड मूवमेंट जो थी काफी वायलेंट रही थी, इसकी वजह से जो ज्यादा वायलेंट मूवमेंट होती है वो काफी लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि जब लोग वायलेंस करेंगे तो गवर्नमेंट उनको उतने स्ट्रिक्टली जो है मूवमेंट को सप्रेस करेगी। एंड इसमें भी वही हुआ, मूवमेंट को सप्रेस किया, लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो जो ये दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इनके अरेस्ट होने पे लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे, तो काफी अमाउंट में लोग एक पार्क में इकट्ठे हुए, और उस पार्क में वहां पे जनरल ओ डायर थे। उन्होंने क्या किया, उस पार्क की सिर्फ दो एंट्रेंसेस थी, उसको ब्लॉक करवाया। एंड जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन एंड सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचले, उनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन लोगों पे फायरिंग की गई, विच रिजल्टेड इन टू जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी को ही हम जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है जलियांवाला बाग मसाकर का क्या रीजन था, कि लोग जो है जब रोलैट एक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो वहां पे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट हुए थे। दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचले। इन दो लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट लोगों ने बाद में लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करने लगे, मासेस जमा हो गई, एक पार्क में गए, वहां पे उनको एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया, लोगों पे फायरिंग हुई, तो काफी डेथ हुई है वहां पे। अगर आप अमृतसर जाओगे, वहां पे वो पार्क में वो काइंड ऑफ म्यूजियम बना हुआ है, उन पेंटिंग्स के थ्रू सारी ये चीजें दिखाई हैं कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग में साइकिल, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल। इस इवेंट के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो उनको नाइटहुड मिला हुआ था, वो उन्होंने वापस किया था। He renounced his knighthood. तो गांधी जी ने क्या किया, ही इमिडिएटली स्टॉप द मूवमेंट। ठीक है, रोलैट सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसको इमिडिएटली स्टॉप किया गया इसके बाद, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। तो अब हमने अभी तक क्या क्या देखा, क्रोनोलॉजी एक बार ही देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट रोलैट एक्ट आया, रोलैट एक्ट लाया गया, उसके बाद ऑल इंडिया सत्याग्रह हुआ, लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद हमारा जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ,
ऑल्दो इस मसाकर के अगेंस्ट एक कमेटी भी अपॉइंट की गई इसको इंक्वायरी करने के लिए, पर उस कमेटी ने कुछ नहीं किया, वो बस लोगों को पैसिफाई करने के लिए कमेटी को अपॉइंट किया गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। ये एक्ट था बेस्ड किस पे, मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट पे, जिस स्टेटमेंट ने क्या कहा था, जो सेल्फ रूल है उसको सेडिशियस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार ये 1919 के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कब लाया गया था, 1909 में। इसमें उसको एक्सटेंड किया था टू एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, सिख। तो गांधी जी को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ये समझ पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। ठीक है, डीआरसी इंट्रोड्यूस हुई थी, डीआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। डीआरसी में क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉज बनाते हैं उनको दो में डिवाइड किया जाता है, कुछ आपके रिजर्व्ड होते हैं एंड कुछ ट्रांसफर्ड होते हैं। ठीक है, जो रिजर्व होते हैं वो किसके, वो गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो ही उन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं। सिक्योरिटी पे लॉ बनाना होगा या एग्रीकल्चर पे बनाना होगा, एजुकेशन, हेल्थ, इनको हम अलग अलग सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी में सब्जेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ट्रांसफर्ड वाले जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर जनरल प्लस हिज ओन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो डीआरसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये दो चीजें आप इसमें याद रखो। ऑल दो है बड़ा, इसमें काफी प्रोविजन है, लेकिन सारा आपके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जिसको हम बोलते हैं खिलाफत इशू। अब मुस्लिम्स को पता है कि खिलाफत इशू कैसे हुआ था। बेसिकली खलीफा जो है रिलीजियस हेड कंसिडर किया जाता है, उसको कैलिफ बोलते हैं इंग्लिश में। फाइन, तो टर्की में जो तो यहाँ पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली आपका ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये कंप्लीट कर दूंगी। एक बार ये क्विकली हमने जो भी अभी तक देखा, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम ट्रेस करते हैं 1858 से। उससे पहले क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में आए थे 1700 में, यहाँ स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेरिटोरियल और पॉलिटिकल एक्सपेंशन अपना करते गए। ठीक है, एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है उसके कई सारे रीजन्स थे। जैसे हर ग्रुप को लेके एक ग्रज था, हर ग्रुप को एक ग्रज था, जैसे पिजेंट्स को जमींदार्स के अगेंस्ट था। ठीक है, एंड जो सिपॉइज थे वहां पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट था। तो हर किसी के लिए अपनी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से एक ट्रिगर पॉइंट उनको मिला था, कार्टरेज वाला इशू। एंड फाइनली एक रिवॉल्ट को लॉन्च किया गया 1857 में। उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है वीर सरवारकर ने। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी भी बोले बोला जाता है, मीरत से स्टार्ट हुई थी। सेंटर्स का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ये तो वो जो रिवोल्ट हुआ था। अब ब्रिटिश ने क्या कॉन्सिक्वेंसेस किए, उसके कंपनी रूल को खत्म किया, क्राउन रूल आया 1858 के बाद, और एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का रूल एंड हो गया, एंड उनने ये कहा कि फर्दर हम एनेक्सेशन और को नहीं करेंगे, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी जो है ये नहीं होगा। फिर प्रोक्लेमेशन एक्ट जो है वो बन गया हमारा एक्ट ऑफ जो प्रोक्लेमेशन थी क्वीन की वो बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें कंपनी का रूल एंड हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश किया गया, न्यू ऑफिस क्रिएट हुआ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड उसको 15 मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल दी गई, एंड गवर्नर जनरल जो है उनको एडिशनल टाइटल दिया गया वॉइस रॉय का। आपको बोलना है पहला वॉइस रॉय कौन था। फिर ये यूनिट्स जो है ऐसे हमारी क्रोनोलॉजी चली। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, ये आप देखोगे ये आप बस याद करने वाली है। ठीक है, फिर हमने आईएनसी फेज देखा, स्टार्ट किया था एओ ह्यूम ने, जो रिटायर्ड ब्रिटिश एक्स आईसीएस ऑफिसर हैं, जैसे यहाँ के आईएएस ऑफिसर होते हैं। सेफ्टी वैल्व थीसिस की उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे अपने फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करें। आईएनसी जो है लेकिन वो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मासेस। फिर हमने देखा इसमें
आर्म्स एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट 1835, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वगैरह, जो आपरी आईएनसी ये काम सब कुछ हुआ था। फिर हमने मॉडरेट्स का देखा, उनके लीडर्स कौन कौन थे, ये सारे उनके लीडर्स आपको याद रखने हैं, ठीक। एंड पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। 1885 से लेकर 1905 वाला ट्रेस किया जाता है टाइम पीरियड किन का, मॉडरेट्स का। फिर हमने देखा इनकी एम जो है स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, या ऐसा कोई ब्रिटिशर्स को अलग करना, उनको इंडिया से निकालना, ऐसा कोई इनका एम नहीं रहा है। इनका एम था सिविल सर्विस रिफॉर्म, इंक्लूड करो हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइसरॉय ऑफिस वगैरह में हमें इंक्लूड करो। मेथड ऑफ स्ट्रगल था इनका 3 P's, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये भी हमने देख लिया। फिर आ गया आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेकर 1917 तक, 1916 तक। ये उनके लीडर्स हैं, इनका एम स्टार्टिंग से क्या रहा है, स्वराज और सेल्फ रूल, पैसिव रेजिस्टेंस, बायकॉट इनकी मेथोडोलॉजी रही है, मेथड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1903 में, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे बिकॉज इट इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर। 1905 में फाइनली ये अक्टूबर में केम इन टू फोर्स, एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है स्टार्ट हुए है 1903 से लेकर 1905 तक। उस टाइम पे ये तीन न्यूज़पेपर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इसके साथ ही लॉन्च की गई। फाइनल प्रोक्लेमेशन जो है स्वदेशी मूवमेंट का, वो 7 अगस्त 1905 को हुआ टाउन हॉल कैलकाटा में, और वहां पे बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया, मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट को बॉयकॉट किया गया, ठीक है। पार्टीशन केम इन टू फोर्स कब, 16 अक्टूबर 1905। फिर इंपॉर्टेंट सेशन हमने देखे 1905 बनारस गोखले, जिसमें प्रेसाइडेड बाय गोखले, एंड कंडेम किया गया था पार्टीशन को एंड सपोर्ट किया गया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ लीडर्स एंड कहाँ कहाँ पे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली थी। फिर 1906 में कोलकाता, दादाभाई नेहरू जी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उसके प्रेसिडेंट थे, तब इन्होंने कहा था स्वराज को अपना गोल बनाया था, आईएनसी ऑफ गोल इज स्वराज। ये किस सेशन में कहा गया था, 1906 के सेशन में, जो कहाँ पे हुआ था, कैलकटा में, ये याद रख लेना। 1907 में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो स्प्लिट हुए थे, और वो कहाँ पे सेशन हुआ था, सूरत में, तब प्रेसिडेंट कौन था, राज बिहारी घोष। फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें, थोड़ा नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, हमारा बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कब आई थी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम पे आई थी। स्वदेशी का मतलब भी क्या है कि आत्मनिर्भर भारत काइंड की हम बात आज करते हैं, कि स्वदेशी आपके इंडियन मेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इंडियन मेड गुड्स होने चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट होने चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, कैरेट स्टिक पॉलिसी, तो क्या कैरेट दिया था, 1909 का रिवॉर्ड, 1919 का काउंसिल एक्ट, ठीक है, इसको मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। दो चीजें उसमें याद करने वाली है, सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड पहले इंडियन जिनको अपॉइंट किया गया था वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद हमने देखा इस पार्टीशन को एनल किया गया 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग जो है बाय सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड उस टाइम पे वॉइस रॉय थे। और 1911 में और एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। आगे फिर हमने देखा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का फेज स्टार्ट होता है 1907 टू 1917, ये किस लिए था, अटेन करने के लिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। इसका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का, लूट करो, डेकोइटी करो, रॉबरी वगैरह करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने देखी, आप यहाँ पे याद कर लोगे। फॉरेन में कहाँ कहाँ रही, हमने सैन फ्रांसिस्को में देखी गदर मूवमेंट, लंडन में देखी इंडिया हाउस। गदर किससे रिलेटेड है आपके, कुमागाटा मारो इंसिडेंट से, ठीक। यहाँ पे क्या क्या रहता है, कोर्स ऑफ एक्शन, किस किस को इन्हें अटैक किया है, वो तीन इंसिडेंट्स है वो यहाँ पे आप देखोगे, प्लस कोमागाटा मारो इंसिडेंट हुआ था। जापानीज शिप थी, सिंगापुर टू वैनकूवर जा रहे थे इंडियंस, उनको कनाडा में एंट्री नहीं मिली, कैलकाटा गए, वहां पे जब वो पहुंचे तो उनपे फायरिंग भी थी। तो इस चीज की वजह से और आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो गदर ये थे, उन्होंने जो गदर लीडर्स थे, गदराइट जिनको बोला जाता है, उन्होंने एक वायलेंट अटैक लॉन्च करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स पे। उसके लिए उन्होंने क्या डेट चूज किया था, फरवरी 21, 1915, लेकिन इस अटैक को फॉइल किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। फिर हमने देखा वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1919, मॉडरेट्स ने कहा सपोर्ट करो, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा सपोर्ट करो, इन रिटर्न हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने कहा ये एप्ट टाइम है, ये एक्यूरेट टाइम है जब हम ब्रिटिश पे वॉर वेज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश इनहेरेंटली वीक है वॉर की वजह से, ठीक है। फिर 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गई, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट नाम है इसके लिए। एनी बेसेंट ने कहा आयरिश कॉलोनीज, वो आयरिश ले रही थी कि आयरिश कॉलोनी के ही लाइंस पे यहाँ पे जो है रूल होना चाहिए, होम रूल देना चाहिए, दैट मीन्स अगेन रूल विद इन द ब्रिटिश राज,
तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया, एनी बेसेंट ने सितंबर के अराउंड किया, इनका ऑफिस, ये जो मूवमेंट थी एंटायर इंडिया में थी एक्सेप्ट बॉम्बे, ठीक है, अलग टाइम इन्होंने चूज किया ताकि डिफरेंस में कोई टाइमिंग में क्लैश ना हो। तो एम क्या रहा है इनका, अटेन करना होम रूल, मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या है, पॉलिटिसाइज करना पीपल को, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, ठीक है। एंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट रही ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, और 1917 को एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, लेकिन साथ ही इसको काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स ने ज्वाइन किया, जिन्ना, मालवीय, नेहरू वगैरह ने, बैनर्जी ने, जिसकी वजह से मूवमेंट और ज्यादा पॉपुलराइज हो गई। फिर गवर्नमेंट ने होम रूल की डिमांड एक्सेप्ट की, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास मॉन्टेगू स्टेटमेंट आई, जिन्होंने कहा कि डोमिनेंट स्टेटस जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन उसमें उन्हें कैच रखा, दो चीजें उसमें ऐड की कि किस मैनर में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा एंड कब दिया जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। इस वजह से जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि जो सेल्फ रूल है उसकी डिमांड अब एक्ट ऑफ सेडिशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर गांधियन फेज स्टार्ट हुआ 1917, पहले इनके साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल चले, 1915 में ही इंडिया आए, ठीक है। 1517 इन्होंने अपने पॉलिटिकल मेंटर गोखले के कहने पे एक टूर किया और पूरे जो हालात है उसका जायजा लिया। फिर रीजनल सत्याग्रह स्टार्ट हो, उसके लिए मैंने आपको कहा केक याद रख लेना, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद एंड लास्ट में खेड़ा। चंपारण में 1917 to 18 इंडिगो प्रॉब्लम थी, तिनकथिया सिस्टम, राजकुमार शुक्ला जो प्रेजेंट थे उन्हें इन्वाइट किया था, प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी ने उसमें उसमें सपोर्ट किया था। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह किसको लेके हुआ था, प्लेग बोनस को लेके हुआ था, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज पे 35% हाइक उनको बाद में दिया गया था, पहली हंगर स्ट्राइक जो है वो अहमदाबाद सत्याग्रह में हुई थी, उनको सपोर्ट किया था इसमें अनुसिया बेन ने, जो सिस्टर ही थी उस मिल ओनर की। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये गुजरात में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था, ठीक है। फेमाइन कोड के अकॉर्डिंग जिनको भी जो है उस साल रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो उनको कुछ परसेंटेज मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको नहीं मिल रहा था, उस वजह से ये स्ट्रगल हुआ था। तो जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार का टाइटल मिला था बरदोली सत्याग्रह में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद रखोगे। फिर एक रोलैट एक्ट पास हुआ था 1919 में, जिसको एनआरकिल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोला जाता है, इसमें कोई भी इंडियन को अरेस्ट किया जाएगा एंड जेल कर सकते हैं इसको विदाउट एनी प्रॉपर ट्रायल। इसके अगेंस्ट पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह गांधी ने लॉन्च किया था, स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल, लेकिन इसने एक वायलेंट टर्न लिया था एंड वायलेंट होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको हर तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश की थी। 10 अप्रैल को काफी लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इन दो के अगेंस्ट लोग काफी इकट्ठे हो गए थे एक पार्क में, और उस पार्क के एंट्रेंस को क्लोज करके जनरल ओ डायर ने क्या कहा था, ऑर्डर दिया था कि उन सब लोगों पे फायरिंग करो, ठीक है। एंड उसको हम क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कब हुआ था 13 अप्रैल। इसके बाद जो सत्याग्रह है ऑल इंडिया सत्याग्रह गांधी ने लॉन्च किया था उसको उन्होंने कॉल ऑफ किया, ठीक है। और इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अपना रिनाउंस कर दिया, तो रोलैट एक्ट उसकी वजह से जो लोग इकट्ठे हो गए, फिर प्रोटेस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को, फिर लोगों पे फायरिंग हुई तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें सेल्फ रूल की बात हुई, डोमिनियन स्टेटस जो है दिया जाएगा लेकिन मैनर ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे, एंड जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको कहा एक्सटेंड करो एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड सिक्स को। तो गांधी इस चीज से काफी परेशान थे। डीआरकी को प्रोविंशियल लेवल पे लाया गया, डीआरकी का मतलब है सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड करते हैं, रिजर्व एंड ट्रांसफर। सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपका हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, मैरिज है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉज बनाए जाते हैं, उनको दो में डिवाइड करेंगे, रिजर्व जो है वो गवर्नर जनरल एंड उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेंगे, ट्रांसफर जो है वो जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डीआरकी, और ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, नए लेक्चर में मैं ये पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी। टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।